हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर की क्लास हमारी जनवरी माह की ख़त्म हो चुकी है। अब हम नवंबर माह की और दिसंबर माह की करेंगे। उसके बाद हम अपना जो है दिसंबर और जनवरी का, नवंबर का, इनका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास का पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, किसने 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? ये लियोनल मेसी ने जीता है 8वीं बार बैलन डी पुरस्कार। किस देश ने बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है? थाईलैंड ने दी है। 1 नवंबर 2023 को किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। किसे 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? शेखर कपूर को, ठीक है ना। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? शाहिद अफरीदी बने हैं। अगला है, क्रिकेट से जुड़े बैचबॉल शब्द से को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो क्रिकेट से जुड़ा है ये बैचबॉल, ये जुड़ा है किस डिक्शनरी में? ये जुड़ा है आपका कॉलिंस में, ठीक ना। किसे अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विहान तल्या विकास को। देश की वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 37%। अगला है, किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 नवंबर को? कर्नाटक ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगला है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? केरल के कोझिकोड को। यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर को। किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में। अगला है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? दीनानाथ नंदनी दास को मिला है। किस देश के क्रिकेट डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड के डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है। अगला है, कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है? कोलकाता में। किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया है। अगला है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक। अगला है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की बात हो रही है, तो फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। किस देश की सेना द्वारा मिन्यूट मैन 3rd मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अमेरिका। किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? टी प्रभानंदन पदमनाभन, ठीक है ना, पदमनाभन, टी पदमनाभन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी बन गए हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है राजेंद्र मेनन। जारी हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? शिवनादर। HCL टैंक के संस्थापक है शिवनादर। ये हुरून इंडिया परोपकारी सूची में नंबर 1 पे रहे हैं। अगला है,